नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मदन। मैं लाया हूं आपके लिए एक नई रोचक वीडियो जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। दोस्तों, ये जो मकान बना है वो बीकानेर में है और इस मकान में धौलपुर का और जो जाली बनी है धौलपुर में है और जो फ्रंट में आयरस ब्राउन का इटालियन पत्थर और जो पीले कलर का है वो टर्वेटिनो और जो वाइट कलर की पट्टी आप लोग देख रहे हो वो है वियतनाम पत्थर की बनी है। और दोस्तों, इसका लुक बहुत ही अमेजिंग आना है। इसकी पार्किंग आगे से फ्रंट और पिलर वगैरह मैं सब दिखाऊंगा। इसका मकान का आगे का फ्रंट भी है। मकान बहुत बड़ा है, ये फ्रंट थोड़ा है। तो मेन गेट से जहाँ एंट्री होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इटालियन के पिलर वगैरह बहुत ही अमेजिंग है। और चलिए दोस्तों, देखते हैं इस मकान का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। चलिए दोस्तों, देखते हैं मकान का आगे से फ्रंट, पार्किंग, और पार्किंग में जो दीवार है बहुत ही बढ़िया बनी है वो भी आपको दिखाते हैं, और फिर देखते हैं घर के अंदर का डिज़ाइन वगैरह। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, ये मेन फ्रंट है, मेन गेट की एंट्री होती है। यहाँ पे ग्रेनाइट का रैंप है और इटालियन और वियतनाम की डिज़ाइन है। तो दोस्तों, देखते हैं अंदर से। ये पार्किंग में पत्थर है, फायर वाला ग्रेनाइट बोलते हैं इसको, इससे स्लिप वगैरह नहीं होते। इसमें पॉलिश भी नहीं है और ज़्यादा रफ भी नहीं है। दोस्तों, धूप के कारण ये थोड़ा सा पॉलिश या धूप के काम का थोड़ा पत्थर कम रहता है। यहाँ पर राजस्थान में अपने टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है तो इटालियन वगैरह धूप में ज़्यादा सक्सेस नहीं है। देख सकते हैं आप, इससे आप आइडिया ले सकते हो, आपको ये लगने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा। ये दोस्तों धौलपुर की जो दीवार है इसमें 4x4 की टाइल और आधा इंच का गुरु है और ये बहुत ही बढ़िया लुक लग रहा है इसका। ये सिंगल कलर का रैंप है जो इसका लुक बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इटालियन की विंडो का फ्रेम बनाया है हमने, वुडन की विंडो के ऊपर इटालियन का फ्रेम है आयरिस ब्राउन का। लुक कुछ इस तरह रहेगा। ये आयरिस ब्राउन के जो पिलर हैं बहुत ऊपर तक लगे हैं। देखिए दोस्तों, पूरा टच है। दोस्तों, मकान बहुत ही अमेजिंग है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम घर के अंदर आ गए हैं और हम जो ये देख रहे हैं मार्बल की सीढ़ियाँ बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ये फुल राउंड में और नीचे खलिए की पट्टी है और वाइट कलर की ग्रेनाइट का हमने इसमें स्टीरकेस दिया है और वाइट कलर वियतनाम में जिन्ना दिया है, सीढ़ी दी है और ब्लैक राइजर है। देखो इसमें हमने वियतनाम ने इटालियन की पट्टी भर रखी है रेड सूत की, बहुत ही बढ़िया लुक लग रहा है साइड में भी। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले अपने ये सीढ़ियाँ। देखिए दोस्तों, अमेजिंग लुक है इसका वाइट कलर की। इसमें देखो दोस्तों, ये ब्लैक कलर का जो खलिया है
वो बहुत ही बढ़िया मोल्डिंग है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। ये जो पूरे घर में हमने खलिया दे रखा है, जो कॉर्नर पे मैल वगैरह जमा नहीं होता, राउंड होती है, और यहाँ पे हमने वाइट वियतनाम के ही पिलर बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉलिड निगर पिलर हैं। और यहाँ पे हमने इटालियन की डिज़ाइन और मकराना डूंगरी पत्थर का यूज़ किया है साइड में चौक के अलावा। और ये यहाँ पे हमने फूल बनाया है दोस्तों, बहुत ही मेहनत वाला फूल है ये इटालियन और ग्रेनाइट में बना है। और ये दोस्तों फिर से फर्श में आ गए वेतना पत्थर और खलिया और वाइट कलर की जो, देखिए दोस्तों इसकी जो रेलिंग देखिए, रेलिंग बहुत ही बढ़िया आने वाली है। इससे आप आइडिया ले सकते हो, अगर आपको थोड़ा पैसा खर्च करने की इच्छा है, अगर मकान बढ़िया बनाने की इच्छा है, तो कुछ इस तरह का बनाइए जिससे आपको भी मज़ा आए दोस्तों। सिर्फ फर्श फर्श में आंगन में वगैरह में वियतनाम लगा है, और कमरों में और साइड के एरियो में हमने मकराना डूंगरी पत्थर यूज़ किया है। और पिलर पूरे वियतनाम के हैं, इटालियन पूरी ग्रेनाइट की है ये यहाँ पे डिजाइन। और इस दोस्तों खलिये की मोल्डिंग बहुत ही बढ़िया लग रही है। ये दोस्तों जो धौलपुर की जो जाली देखी थी दोस्तों, अंदर से जो टफन ग्लास गोल वाला था, वो अंदर से दोस्तों इसका लुक कुछ इस तरह आ रहा है। और साथ में रेलिंग और वाइट कलर का जो वियतनाम पत्थर है दोस्तों, इसका लुक बहुत ही अमेजिंग आ रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें डिजाइनें आपको जो बताई थी, ऊपर से अंदर से नीचे से दिखा रहे हैं। और इसके पीछे हमने फुमारा बनाया है, देखिए दोस्तों सामान पर आया अभी तक। चलिए दोस्तों धन्यवाद। Thank you.